जय हिंद दोस्तों। अगर आप किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो है यूपी TRPSC का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो UP TRPSC PET का नोटिफिकेशन निकल गया है और फिर जो है फॉर्म भरा जा रहा है, तो इसके बारे में सब पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। और फिर जो है यह फॉर्म कैसे भरें, इसका लास्ट डेट क्या है, PET का सिलेबस क्या है, और फिर जो है इस क्वालिफिकेशन क्या है, PET में जो है कितने नंबर का पेपर होता है, PET में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, PET की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल हम जानते हैं। PET का जो है नोटिफिकेशन 28 तारीख को निकला है और तब से जो है फॉर्म भरा जा रहा है, 28 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है और फिर इसका लास्ट डेट है 27 तारीख सातवां महीना, यानी कि आज 7 तारीख है, अभी भी आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं। आप फॉर्म जो है अगर भर दिए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भरे हो तो जो है जल्द से जल्द भर लीजिए, क्योंकि जो है लास्ट तक जाते जाते सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए जो है 2-3 दिन के अंदर आप जो है जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए। और फिर बात करें इसका जो है करेक्शन डेट की, तो 3 तारीख 8वें महीने तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा, हमें उम्मीद है कि जो है 20 सितंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। और फिर बात करें हम अगर फीस की, तो इसका जो फीस है जनरल OBC का 185 रुपये है और फिर SC ST का 95 रुपीज़ है, यानी कि 95 रुपये है। और फिर जो दिव्यांग हैं उनका जो है 25 रुपये सिर्फ लग रहे हैं। तो अगर बात करें हम डेट की, तो जल्द से जल्द जो है 27 तारीख लास्ट डेट है, आप जो है जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। और फिर बात करें हम इस क्वालिफिकेशन की, तो एज जो है 18 वर्ष कम से कम आपके होने चाहिए। कितने वर्ष होने चाहिए, 18 वर्ष कम से कम होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 वर्ष के आप होने चाहिए। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है हाई स्कूल होनी चाहिए, हाई स्कूल आपका पास होना अनिवार्य है। और फिर बात करें हम एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है आप सितंबर में होने वाला है, तो जल्द से जल्द इसकी तैयारी आप करते रहिए। और फिर जो है इसके सिलेबस की अगर बात करें, तो इसका सिलेबस है भारतीय इतिहास से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। भारतीय इतिहास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम भी दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति की, भौतिक बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। और फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का। और फिर बात कर लेते हैं हम भूगोल की, यह जो भारतीय अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, तो स्वाधीनता आंदोलन जो है, स्वदेशी तथा संविधान अवज्ञा आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, उग्र जो है राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है, जो कब से हुआ है, तो इसके बारे में भी जानकारी आपसे पूछेगा। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है, जो है कब हुआ, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय भूगोल से जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी आपको भारत का भूगोल सिर्फ नहीं देखना है और जो है भारत के साथ साथ जो है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आपको ध्यान देना है। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है नदी और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत एवं पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन क्षेत्र, खनिज संसाधन क्षेत्र। इसका टॉपिक जो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आपको जो है इसकी तैयारी जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके आपके अभी भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं, इसका वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। और फिर जो हर जानकारी, हर नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और फिर बात कर लेते हैं जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास की, इस सब का वीडियो जो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका टेलीग्राम से चैनल का लिंक ले सकते हैं और फिर वहाँ से PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टडी मटेरियल का PDF चाहिए तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और फिर फॉर्म जो है सरकारी रियल से आप भर सकते हैं, सरकारी रियल से फॉर्म भर सकते हैं। और फिर आगे हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर का आएगा, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें है योजना आयोग पंचवर्षीय योजना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि जब इम्पॉर्टेंट ये जो है पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है समय
कम रहा, या जो है किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कम रहा, और फिर जो है किस पंचवर्षीय योजना के बीच अवकाश रहा, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएगा, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन से आएगा, और फिर बात करते हैं कृषि सुधार, ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार है, आर्थिक सुधार है, GST से भी क्वेश्चन आएगा। ये सब जो है 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी आपको जो है देखने को प्रश्न मिलेंगे। और फिर बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, राजनीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, या जो कौन सा जो है कर्तव्य किसके बारे में है, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 5 नंबर के इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जिला प्रशासन से भी क्वेश्चन आएगा, जिला प्रशासन है, स्थानीय निकाय पंचायती राज से भी क्वेश्चन आएगा, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन है। और फिर सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 5 नंबर का। और फिर भारतीय ये जो है प्रारंभिक गणित है, प्रारंभिक गणित से जो भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा, इसमें है पूर्ण संख्या है, प्रतिशतता है, साधारण अंक गणितीय समीकरण है, वर्ग वर्गमूल है, घन घातांक एवं घात है, औसत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन इससे भी आएंगे। और फिर जनरल हिंदी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो 5 नंबर का होगा, 5 नंबर के क्वेश्चन इससे भी बनेंगे। इसमें जो है हिंदी का आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, हिंदी अंग्रेजी और फिर जो है मैथ रीजनिंग, इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि हर साल लगभग हर एग्ज़ाम में ये जो है टॉपिक आते जाए हैं। जैसे इसमें जो हिंदी के जो क्वेश्चन हैं संधि से आएंगे, विलोम शब्द से आएंगे, पर्यायवाची शब्द से आएंगे, लिंग भेद से आएंगे, और फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ, और फिर समान अशुद्धियाँ आएगा, और फिर लेखक की रचनाओं के बारे में इससे सवाल आएंगे। यह जो है 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जनरल हिंदी से। और फिर सामान्य अंग्रेजी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर का। सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न है। और फिर तार्किक एवं तर्क शक्ति, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि जो है रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग मैथ और फिर इंग्लिश हिंदी, यह जो है 4 सब्जेक्ट आप जो है पहले से तैयारी करते रहिए। PET का एग्ज़ाम की जो तैयारी है हमारे चैनल से आपको मिल जाएगा, और फिर स्टडी मटेरियल टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं। इसमें जो है तर्क शक्ति से वृहत्तम एवं लघु है, क्रम एवं रैंकिंग है, संबंध है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर घड़ी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। और फिर देखते हैं हम आगे समसामयिकी से जो है करंट अफेयर्स भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और फिर बात कर लेते हैं सामान्य जागरूकता के, सामान्य जागरूकता का भी टॉपिक हमारे चैनल पे मिल जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन है, और फिर इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, और फिर जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से भी क्वेश्चन आएंगे, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो है भारत की कला एवं संस्कृति से भी क्वेश्चन आएंगे, भारत जो है विश्व के खेल हैं से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें जो कितने खिलाड़ी होते हैं, और फिर राष्ट्रीय खेल किस देश का कौन सा है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पुरस्कार एवं विजेता के नाम भी आपको याद करने होंगे, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 1/4 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, 1/4 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है इसमें कट ऑफ भी है, बहुत बच्चे इससे जो है छड़ जाते हैं, आप लोग मत छड़िएगा, क्योंकि जो आप ऐसी तैयारी करिएगा ताकि जो है आप जो है निकल सकें। आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा, 1/4 कट ऑफ यही होता है। और फिर हमने बात कर लिया फॉर्म का, लास्ट डेट जो है 28 तारीख है, और सिलेबस को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, इस क्वालिफिकेशन को हमने अच्छे से जानकारी ले ली, और PET जो है 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, यह जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल में बने रहिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। आज के लिए शुक्रिया।